बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको इस गले की वीडियो बना के बताऊंगी। बहुत आसान है, ये डोरी बाजार से मिलती है, तो आप इसको बाजार से मंगाएं और आसानी से पांच मिनट में ये गला तैयार करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखें, इसकी कमीज की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये आप अपने कमीज अपने मुताबिक नाप के मुताबिक कटिंग कर लें। और उसके बाद ये मैंने एक इंच की पट्टी ली है। ये पे पट्टी लेके इसकी लंबाई मैं आपको बताती हूँ कितनी है। 13 इंच ली है, क्योंकि आधी इंच ऊपर चली जाएगी और आधी इंच नीचे फोल्ड हो जाएगी, तो ये 12 इंच तैयार रह जाएगी। तो ये इसकी शलवार का कपड़ा था जिसको मैंने लिया है। उसके बाद ये मैंने गले को तैयार किया। सादा गला हम बनाएंगे, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड। और इस पे गला इसको तैयार करने के बाद मैं इस पे लगाऊंगी। तो ये जो डोरी है ये मैंने इसके साथ मैच की है, तो इस डोरी के साथ मैं डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुत आसान तरीके से। तो आपने ये देखना है कि इसका ये गला है, ये ऐसे सीधा करके। तो ये गला मैंने इसलिए तैयार कर लिया है कि इसके मुताबिक हमने ये गला तैयार करना है, पट्टी लगानी है। तो इसकी जो गहराई है ये 5.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच है। 6.5 के बजाय हमने 5.5 गला रखा है। और इसको ऐसे रख के इसकी दरमियान में इस तरह ये जो निशान बनाया हुआ है उसको रखते हुए मैं इस पे निशान लगाऊंगी। और ये इसका इधर से इसकी सिलाई बनती है इधर, और हम सिलाई को तकरीबन 1/2 इंच ऊपर रखेंगे इस तरह, जो कि मैंने बताया है कि इसको 1/2 इंच ऊपर जाएगा। तो उसको ऊपर रख के तो हमने ऐसे ये पट्टी तैयार करनी है। तो अगर आपके पास ये डोरी नहीं है तो आप इसके साथ समोसे लगा सकते हैं, या डोरी खुद से तैयार करके इस पे लगा सकते हैं। तो आइए पहले मैं ये पट्टी बनाती हूँ, फिर गला बना के आपको बताती हूँ। ये हमने ये जो निशान लगाया हुआ है उसको ऐसे रख के इसकी दरमियान में आपने निशान लगा लेना है। और ये जो हमने निशान है इसका इस तरीके से इसकी कमीज की दरमियान में बनाया हुआ है उसको हमने ऐसे बराबर रख लेना है। अब इसको हमने इस तरह सिलाई लगा लेनी है पहले। अब सिलाई इधर इस तरह लगा लेंगे, तो फिर ये हमारा दरमियान में ऐसे हमने ऐसे देखते जाना है, और दरमियान इसकी 1/2 इंच तक हम इसको सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हमारा डिजाइन कंप्लीट रहे। अब हमने ये लेनी है डोरी, और अब इसको मैं ऐसे डबल करूंगी, और डबल करके मैंने इसकी कटाई कर लेनी है। अब मैं इसको ऐसे, आपने 3 पीस लेने हैं 3 ले सकती हैं, डबल लेना है डबल ले सकती हैं, तो मैं इस डबल ले लूंगी। तो ऐसे आप सिलाई लगाएं, और ये ध्यान जरूर रखना है कि आपका ये दरमियान नहीं आना चाहिए। अब मैं इसको ऐसे डबल फेरते हुए इसकी इस साइड पे ऐसे लूप्स ले आऊंगी इस तरह ऐसे। अगर आप 3 लगाना चाह रही हैं तो 3 लगा लें, और 2 लगाना चाह रही हैं तो 2 लगा लें। जब आप इधर तक आ जाएंगे तो आपने ये देखना है कि जितने हमने इधर लूप्स लिया उधर ही उधर से हमने ऐसे घुमा के दोबारा इधर ले आना है इस तरह। इस तरह जब दोबारा हम घुमा के इधर लाएंगे तो इस लूप्स को भी हमने इतना ही रखना है जितना हम ये रखेंगे। तो
ये आपने ध्यान रखना है कि जब आप इधर लेके जाएंगे तो उधर से भी आप इधर ही ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के तो आप ये सिलाई को पक्का करें। उसके बाद इसी तरह हम इसको वापस, ये जरूरी नहीं है कि आप ये बाजारी जो बनी हुई है डोरी ये बाजार से ही लें, आप अपने कपड़े से अपनी कमीज अपने कपड़े के मुताबिक लेके तो ये डिजाइन तैयार कर सकती हैं, लूप्स तैयार करके तो आप इसको तैयार कर लें। अब जब इधर हम सिलाई ले आएंगे तो थोड़ा सा हम इसको नीचे ले आएंगे जिस तरह हमने ये ली है, इसी तरह फिर हम इसको भी ऐसे दोबारा वापस ऐसे ले जाएंगे।
इसको मैंने इसी के साथ बैठा के और तरपाई करूंगी और तरपाई के बाद इसके अंदर हम मोती लगाएंगे। ये मोती लगा के तो गला मैंने तैयार कर लिया, बाकी कमीज भी मैंने तैयार कर लिया। ये अंदर मैंने बाजू के अंदर फिनिशिंग पट्टी के साथ लैस के साथ ये तैयार की है। इसको इस तरह गुम सिलाई के साथ लगा लिया और इसी तरह ये मैंने जो गला है ये भी ऐसे बैक साइड और फ्रंट साइड पेपर पट्टी का बनाया है और ये भी मैंने गुम सिलाई के साथ लगा लिया। अब ये फिनिशिंग पट्टी लगाई है, चाकू मैंने इसी तरह सिलाई लगा के फिनिशिंग पट्टी के साथ इसको तैयार किया है। तो ये मैंने जो फिनिशिंग पट्टी है वो लगाई है चाकू पे और दामन पे भी, नीचे मैंने नहीं लैस लगाई। तो ये मेरा ये सारी कमीज मुकम्मल हो गई है। तो ये गला बहुत आसान है बनाने में, इस तरह की हर कलर की जो है वो डोरी मिलती है और ये लूप्स की जगह इस्तेमाल होती है। आप हर सूट के साथ जिसके साथ मैच करके लगाना चाहे लगा सकती हैं। वैसे भी अगर ये जिस तरह मैंने इधर ये डोरी लगाई है ना, इधर आप समोसे भी लगा सकते हैं और फूल बना के भी लगा सकती हैं। तो आप इसको पूरी वीडियो देखें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।